हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाले तिल के लड्डू की रेसिपी। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तिल। तो यहाँ मैंने एक कप यानी कि 150 ग्राम जितना तिल लिया है और 150 ग्राम तिल के साथ मैंने 150 ग्राम जितना आटा लिया है। यहाँ मैं होल व्हीट फ्लावर यूज कर रही हूँ, ये मोटा आटा है, और 150 ग्राम चीनी यानी कि तिल, फ्लावर और शुगर का रेशियो इक्वल है। ये 8 से 10 आलमंड को चॉप कर लिया है मैंने, और ये पिस्ता, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप पिस्ता और आलमंड को अवॉइड कर सकते हैं। 3/4 कप देसी घी लिया है यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है तिल को रोस्ट करना। तिल में नेचुरल ऑयल होता है, तो तिल को हम मीडियम फ्लेम पे जब तक ऑयल रिलीज न होना स्टार्ट हो जाए और अच्छी खुशबू न आनी शुरू हो जाए तब तक हम तिल को रोस्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि तिल के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? तिल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी, विटामिन डी, और ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, अर्थराइटिस में भी हेल्प करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी बैलेंस्ड करता है। तो इस तरह के इसके बहुत सारे फायदे हैं, और कहते हैं कि तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे विंटर में आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे डेली कंज्यूम करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तिल से ऑयल रिलीज होने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं तिल को चेक करूंगी। ये देखिए, जब इस तरह से प्रेस करने पे तिल इजीली ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब है कि तिल भुन गया है। तिल को बहुत ज़्यादा रोस्ट ना करें, इसका कलर डार्क बिल्कुल भी ना करें, वरना इसके लड्डू कड़वे बनेंगे। तो बस इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हम टर्न ऑफ करें। जब तक तिल ठंडा होगा तब तक हम आटा को भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ घी का यूज़ कर रही हूँ। जितना घी मैंने लिया है 3/4 कप, उसका हाफ घी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी आटा भुनने के लिए। घी जब हल्की गर्म हो जाए तब हम आटा को ऐड कर देंगे और डार्क ब्राउन होने तक भुनेंगे। ध्यान रखें कि आटा बिल्कुल भी जलने न पाए, सिर्फ इस पे अच्छा कलर आए। मैं लड्डू बनाने के लिए यहाँ मोटे पिसे आटे का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल फाइन पाउडर आटा यूज़ कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि हो सके तो आप पिसी हुई चीनी की जगह बूरा ऐड करें, क्योंकि बूरा ऐड करने से आपके लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे दरदरे बनेंगे। अगर आटा भी पाउडर होगा और आप पाउडर चीनी यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो लड्डू आपकी तलवे में चिपके और खाने में उसका मज़ा ना आए। ये देखिए, 4 से 5 मिनट भुनने के बाद आटे पे अच्छा कलर आ गया है, और अब इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे फाइन चॉप्ड आलमंड और पिस्ता को। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। इन्हें भी आटे के साथ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुन लेंगे और गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे, और इस मिक्सर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब तक ये लड्डू का मिक्सर हमारा ठंडा होता है तब तक हम तिल को कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। पूरे तिल को ग्राइंड नहीं करेंगे, 2-3 टेबल स्पून तिल को बचा लेंगे। ये देखिए, तिल को ग्राइंड कर लिया है मैंने। ये देखिए, बस ऐसा ही पाउडर रेडी करना है, और अब इस तिल के पाउडर को हम बाकी मिक्सर के साथ भी ऐड कर देंगे। आटा ज़्यादा ठंडा न होने दें, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए ही ठंडा होने देना है, क्योंकि तिल ऐड करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो तिल हमने साबुत बचा के रखे थे इन्हें भी ऐड कर दिया है मैंने, और ये शुगर भी ऐड कर देंगे। तो इसलिए ज़्यादा देर आटे को ठंडा नहीं होने देना है, सिर्फ इतना कि आपके हाथ ना जले। और अब क्या करेंगे कि हम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप टोटल घी का यूज़ किया है इसे बनाने में, और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को दरदरा पिसा हुआ यूज़ किया है, उसके बाद भी मैं इनके बहुत ही अच्छे लड्डू बांधूंगी। ये देखिए, ये हथेली और फिंगर्स के बीच वाले इस पोर्शन पे हमें मिक्सर को रखना है, और लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर से प्रेस करते हुए और राइट हैंड से दबाते रहें, और धीरे धीरे घुमाएंगे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। ये देखिए, जिस तरह से मैं लड्डू को घुमा रही हूँ इसी तरह से इसी स्टेप को आप फॉलो करके प्रेस करते हुए लड्डू बनाइए, आपके बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। ये देखिए, लड्डू की शेप आ गई है, मैं इसीलिए धीरे धीरे बना करके आपको दिखा रही हूँ। एक लड्डू मैंने बना लिया है, आप इसी तरह से बाकी के भी सारे लड्डू बना करके रेडी कर लेंगे।
अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू में आपकी बाइंडिंग नहीं आ रही है, लड्डू बंध नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि घी की कमी है। तो फिर आप 2-3 टेबलस्पून घी ऐड करके फिर से लड्डू को बाइंड करना स्टार्ट करें, लड्डू बंध जाएंगे। सभी लड्डू को रेडी करने के बाद 4-5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। इस लड्डू को बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगे हैं। देखा आपने, बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर के रेडी हुए हैं। तो आप भी विंटर में इस लड्डू को जरूर खाएं और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।